हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि आप अपने पेट के आकार से कैसे पता कर सकते हैं कि आपने बॉय को कंसीव किया हुआ है या फिर गर्ल को। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं के ऐसे कमेंट आते हैं कि हम बॉय होने पर हमारा पेट कैसा दिखने लगता है और गर्ल होने पर हमारा पेट कैसा दिखने लगता है। तो आज फाइनली हम जानेंगे कि आप अपने पेट यानी कि टमी के आकार से आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉय होने के टाइम पर कैसा टमी दिखता है और गर्ल होने पर कैसा टमी दिखता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके और आप तुरंत वीडियो देख सकती हैं। वीडियो अच्छा लगे ना गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। होता क्या है, जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगती है कि आने वाला बच्चा क्या होगा, बेबी गर्ल होगी या फिर बॉय होगा। तो हम बहुत ज़्यादा अंदाज़ा भी लगाने लगते हैं और बहुत ज़्यादा उत्सुक होने लगते हैं जानने के लिए, क्योंकि देखिए भारत में ही कई देशों में बैन है। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए तो हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन क्लियरली तो पता तो हमें अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ही मिलता है कि बेबी का जेंडर क्या है। हालांकि ये कई देशों में बैन है, कई देशों में बैन नहीं भी है। जिन देशों में अगर ये बैन है तो उसमें आप ये गलती बिल्कुल ना करें, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से जानने का ये प्रयास बिल्कुल भी ना करें कि आपके बेबी का जेंडर क्या है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो कुछ महिलाओं का अनुभव जो रहा ना बॉय और गर्ल के टाइम पर, वो आप लोगों को क्लियर मैं बताने वाली हूँ, 100% सही बताऊँगी, इसलिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पर, जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, अगर आपका दूसरे मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर से अगर आपका टमी जो है गोल शेप में दिखता है, कहने का मतलब फुटबॉल के शेप में दिखता है, तो माना जाता है कि आपके घर में पला बच्चा लड़की है। ऐसा माना जाता है कि जब हमने लड़की को कंसीव किया होता है तो हमारी जो टमी होती है वो गोल दिखनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब ऐसा माना जाता है जो लड़कियां होती हैं ना पेट में, वो थोड़े ऊपरी भाग में होती हैं, सीने की तरफ होती हैं, तो हमारा पेट जो पेट का आकार होता है ना वो गोल शेप में दिखने लगता है। वहीं इसके अपोजिट अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पर आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही आपको ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, दूसरी तिमाही से लगती है ना, तो हमारा पेट का आकार दिखने ही लगता है। ठीक है, आपको क्या नोटिस करना है कि अगर आपका जो टमी है वो नीचे की तरफ जा रहा है, जी हाँ दोस्तों, आपको एग जैसे, एग होता है ना, अंडा होता है, अगर आपका टमी एग जैसा दिखाई देने लगा है, नीचे की तरफ ज़्यादा झुका हुआ नज़र आ रहा है, आप ध्यान से ये इस बात को ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि अगर आपका टमी नीचे की साइड ज़्यादा झुका हुआ नज़र आता है, बहुत ज़्यादा आपको बच्चा भी फील नीचे की तरफ होता है। जब भी आपको बच्चे की हलचल फील होती है वो नीचे की तरफ ज़्यादा होती है। आप चाहें तो अब जब आप रेस्ट करती हैं सोने के लिए, सोने जाती हैं, तो आप अच्छे से फील कर सकती है कि आपका बच्चा हलचल कहाँ कर रहा है, पेट के ऊपरी भाग में ज़्यादा करता है या फिर नीचे की भाग में ज़्यादा करता है। आपको हाथ रख के आप अपने पेट पे नोटिस ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका बच्चा नाभि के नीचे हिस्से में ज़्यादा मूवमेंट करता है, हलचल करता है, और आपका पेट नीचे की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, तो माना जाता है कि आपके घर में पला बच्चा बॉय है। ये काफ़ी महिलाओं का अनुभव है, जी हाँ दोस्तों, 100% बिल्कुल सच बात बता रही हूँ, ये काफ़ी महिलाओं का अनुभव है जिनके अभी हाल ही में बॉय और गर्ल दोनों हुए हैं। तो उन महिलाओं ने अपना एक्सपीरियंस मुझे सारा अपना शेयर किया था, तो वो चीज़ मैंने आप लोगों से बताई है, जिससे कि आप भी थोड़ा अनुमान लगा सकती हैं। ठीक है गाइस, तो थोड़ा आप अनुमान लगा सकती हैं, लेकिन गाइस हम ये दावा बिल्कुल नहीं करते कि अगर आप में ये सब बिल्कुल भी मैच हो रहा है, मतलब 100% मैच हो रहा है, तो आपको बॉय ही होगा या फिर गर्ल ही होगी। ऐसा हम दावा बिल्कुल भी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हर महिला की बॉडी अपने अपने हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती है। कभी कभी ये सही साबित हो सकते हैं तो कभी कभी ये गलत भी साबित हो जाया करते हैं। ठीक है, तो कभी भी 100% श्योर मत हो जाना। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा गाइस। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक पर। टेक केयर एंड बाय।